हेलो फ्रेंड्स, अन्ना की रसोई में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये फलाहारी नमकीन पसंद आती है तो मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करिए। चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये आलू लिए हैं मैंने, छिल लिए हैं इन आलुओं को और मैंने पानी के अंदर रख दिया है इन आलुओं को। देख सकते हो ये अच्छे लंबे लंबे आलू हैं। फ्रेंड्स, चार आलू लिए हैं मैंने, आप अपने कितने भी आलू ले सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने इस टाइप का आलू लिया है, देख सकते हो ये आलू अच्छा आलू है। ये ऐसा आलू लेना है फ्रेंड्स, इस आलू की अच्छी लच्छे बनते हैं फ्रेंड्स, जो ये खराब नहीं होते। सफेद आलू है ये, अंदर से ये आलू अच्छा होता है, पहाड़ी आलू होता है ये। इस आलू की बनाइए फ्रेंड्स। ये सारे आलू मैंने छील करके पानी में ही डाल दिए थे। अब मैंने ये ग्रेटर लिया है फ्रेंड्स, ये मेरा मोटा ग्रेटर है, पुराना वाला, आप कैसा भी ले सकते हो, जिसमें मोटे मोटे लच्छे आए वो वाला लेना फ्रेंड्स। अब मैं इनको, आलूओं को देखो, जैसे ये लंबा है तो इसी तरीके से मैं ऐसे ले जाऊंगी, ऐसे नहीं करूंगी इसको, ऐसे नहीं घिसूंगी इसको, मैं ऐसे ग्रेट करूंगी, ऐसे, तब लंबे लंबे लच्छे आएंगे। ऐसे लेना है पूरा, हाथ से प्रेस करके ऐसे लेना है पूरा। ये फ्रेंड्स देखो, लच्छे आ रहे हैं, आप देख सकते। इसी तरीके से हम सारे आलू को ग्रेट कर लेंगे और फ्रेंड्स ऐसे करते करते साथ ही साथ ही ये लच्छे हम पानी में डालते जाएंगे फ्रेंड्स, ऐसे पानी में ही हम इनको डालते जाएंगे फ्रेंड्स। ये मैंने सारे आलू ग्रेट कर लिए थे, इसके अंदर डाल दिए मैंने सारे आलू ग्रेट करके, देखो साथ की साथ डालती गई थी, फिर भी इसके अंदर देखो कितना स्टार्च निकला है फ्रेंड्स। मैंने पानी में डाल दिए, ऐसे साथ में पानी में ही डालते जाएंगे फ्रेंड्स। देखो ये आलू का स्टार्च इसके अंदर निकला है, आप देख सकते हो। वैसे हमें इसको कई बार पानी के अंदर धोना है, जब तक ये आलू का वाइट वाइट ये पानी निकलता है स्टार्च वाला, इस पानी को हमें निकालने के लिए हमें कई बार धोना है फ्रेंड्स। देखो हमारे आलू के लच्छे बन गए थे, ये हमने इसके अंदर देखो स्टार्च निकला है कितना सारा। अब हम दूसरे पानी के अंदर इसको डालेंगे। दूसरा बर्तन लिया है फ्रेंड्स, देखो अब इसके अंदर हम फिर ये सारे लच्छे इसके अंदर डाल रहे हैं। दूसरी बार पानी लिया है हमने, देखो अब थोड़ा कम निकला है स्टार्च, पहले में ज्यादा निकला था, इसमें थोड़ा कम है, ऐसे ही कम होता जाएगा जैसे जैसे हम पानी चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे। अब हम फिर दोबारा से ये पानी दोबारा लिए हम, फिर इसमें हम ये सारे निकाल करके इसमें ट्रांसफर कर देंगे फ्रेंड्स। देखो ये हम तीसरी बार धो रहे हैं, अब और भी कम स्टार्च हो गया इसका, आलुओं का, हमारे लच्छों का, हम तीसरी बार देख लो धो रहे हैं फ्रेंड्स। ये पानी खराब होता है तो आप ऐसे मत सोचना कि ज्यादा पानी खराब होता है, पानी को हम पेड़ों में डाल देंगे फ्रेंड्स। देखो इसमें से निकाल करके ये फिर मैं इस बर्तन में पानी लिया है मैंने, फिर मैं इसमें डाल रही हूँ, ये इसमें मैंने ट्रांसफर कर दिए। ये फ्रेंड्स देखो चौथी बार लिया है हमने ये पानी, देखो अब कम स्टार्च है इसके अंदर, आप देख सकते हो, अब वाइट पानी कम है, आप देख सकते हो। फिर हम एक बार और इस बर्तन में पानी लिया है हमने भगोने में, इसमें हम ट्रांसफर कर देंगे एक बार और। ये फ्रेंड्स मैंने इसमें सारे ट्रांसफर कर दिए हैं फ्रेंड्स। ये हमने आधा नींबू लिया है इन लच्छों के अंदर, ये आधा नींबू हम नचोड़ देंगे। हमने चार आलू लिए थे उसके अंदर ये आधा नींबू काफी, अगर आप आलू बढ़ा लेते हो तो फिर नींबू का रस भी आप बढ़ा लेना फ्रेंड्स, ये इससे हमारे आलू के लच्छे एकदम अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। ये पानी के अंदर हम नचोड़ देंगे, छलनी से नचोड़ा मैंने, इसके बीज नहीं जाए इससे। फ्रेंड्स ये मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, गर्म हो रहा है। पहले हम सबसे पहले मूंगफली के दाने इसके अंदर फ्राई कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये मूंगफली के दाने हैं, ये आपको आफ्टर मार्केट कहीं भी मिल जाएंगे फ्रेंड्स। ये हम जार में डाल लिए हैं, इनको इसके अंदर नहीं डाल रहे, ऐसे ही तल लेंगे इनको। इनको ऐसे तल रहे हैं, आप भी तल सकते हो ऐसे ही, इस टाइप से तल रहे हैं हम इनको फ्रेंड्स। आपको मूंगफली के दाने व्हाइट वाले लेने हैं, रेड वाले दाने नहीं लेने, ये व्हाइट वाले दाने अच्छे होते हैं फ्रेंड्स। व्हाइट वाले दाने होते हैं जो एकदम अच्छे होते हैं और रेड वाले दाने थोड़े कड़वापन में रहते हैं फ्रेंड्स, इसलिए हमेशा मार्केट से मूंगफली के
व्हाइट दाने ही खरीदने चाहिए, व्हाइट छिलके वाले दाने खरीदने चाहिए, रेड छिलके वाले दाने कड़वाहट में होते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करा करिए, लाइक करिए, कमेंट में कुछ भी पूछ लीजिए फ्रेंड्स मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है। फ्रेंड्स मैंने दूसरी बार डाल दिए हैं इसी तरीके से, फिर दोबारा तल लेंगे। एक बार नहीं आए थे झर में, दूसरी बार तल रही उनको। ये फ्रेंड्स मैंने इसमें फ्राई करके निकाल लिए हैं ऑयल के अंदर। फ्रेंड्स जो हमने नींबू डाला था इसके अंदर लच्छों के अंदर, अब हम इसके अंदर एक ये खास ट्रिक है, हम इसके अंदर ये गर्म पानी डालेंगे फ्रेंड्स, इससे हमारे बिल्कुल भी लाल नहीं पड़ेंगे हमारे लच्छे और एकदम अच्छे परफेक्टली बनेंगे। फ्रेंड्स हम इसके अंदर थोड़ी देर रखेंगे और थोड़ी देर के बाद में ही हम चालनी में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स यही खास ट्रिक है, पानी गर्म है, हाथ छू सकती हूँ लेकिन गर्म है पानी। इसके अंदर हम ये गर्म पानी डाले हैं, इसी वजह से ही ये हमारे लच्छे लाल पड़ जाते हैं, वो नहीं पड़ेंगे, एकदम क्रिस्पी बनेंगे और अच्छे करारे करारे बनेंगे। फ्रेंड्स यही खास ट्रिक है, इसमें नींबू डाला है मैंने और ये गर्म पानी डाला है, देख सकते हो ये हमारे थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, देखो ये हाथ से ऐसे हो रहे हैं, पके नहीं है लेकिन ये सॉफ्ट हो गया हमारा लच्छा, अब ये हमारे क्रिस्पी बनेंगे, एकदम अच्छे बनेंगे। अब हम इनको चालनी में से पानी निकाल लेंगे इनका सारा, देख रहे हो आप फ्रेंड्स हमारा गर्म पानी था, ये भाप निकल रही है पानी में, पानी ज्यादा था, मेरा नीचे का बर्तन भर गया था इस वजह से मैंने वो पानी निकालने के लिए ये सारे लच्छे मैंने निकाल लिए हैं चालनी के अंदर। आप भी इसी तरीके से कोई भी चालनी ले लीजिए, उसके अंदर आराम से निकाल लीजिए इस लच्छों के पानी को, ऐसे थोड़ा सा झाड़ लेना पानी जिससे पानी अच्छे से झड़ जाएगा, फिर हम सूती कपड़े पर इनको सारों को डालेंगे। फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स मैंने कपड़ा बिछाया है सूती, इस कपड़े के ऊपर देखो ये आलू के लच्छे फैला रही हूं मैं, इसी तरीके से फैला लेने, इनका पानी पूरा सूख जाना चाहिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सूख जाना चाहिए, एकदम सूती कपड़ा बिछाना जिससे जल्दी पानी सोख लेगा सूती कपड़ा और फटाफट से हमारे लच्छे सूख जाएंगे। फ्रेंड्स जब हमारे लच्छे का पानी सूख जाएगा एकदम, ये कपड़ा पानी सोख लेगा तो हमें तलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्रेंड्स देखो मैंने सारे लच्छे फैला दिए हैं, इसके ऊपर सूती कपड़ा ही लेना फ्रेंड्स, ये याद रखना सूती कपड़े पर पानी जल्दी सोखता है, सूती कपड़ा ही लेना। फ्रेंड्स देखो ये सूख गए हैं, हमने कपड़े से पूछ लिए इसके ऊपर दूसरा कपड़ा डाल करके, ये देखो सूख गए हैं आप देख सकते हो। अब हम इनको तलेंगे, देखो हम हमारी कढ़ाई के पास आ गए हैं, आपको दिखाती हूँ एक डाल करके, हमारा ऑयल ऐसा गर्म हो गया है, देखो फ्रेंड्स ये ऊपर आ गया है, इसमें डालते ही अब हम सारे हमारे ये लच्छे इस तेल में डाल देंगे। फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये झाग आ रहे हैं, जब तक हम इसे छेड़ेंगे नहीं, झाग खत्म होने के बाद में फ्रेंड्स तब हम इसको पलटेंगे। फ्रेंड्स देखो हमारे झाग कम हो गए हैं, आप देख सकते हो झाग कम हो गए, अब जैसे जैसे झाग कम हुए वैसे वैसे ये ऊपर आ गई है, थोड़ी क्रिस्पी हो रही है ये, मैं इनको और दबा रही हूँ ऐसे फोल्ड फोल्ड कर रही हूँ। ये फ्रेंड्स हमने निकाल रहे हैं इसके अंदर, ये हमारी खूब कुरकुरी हो गई है, देख सकते हो आप अच्छी बन गई है हमारी कुरकुरी कुरकुरी एकदम, हमने लाल लाल भून लिए इनको, एकदम कुरकुरी कुरकुरी हो गई है ये। फ्रेंड्स ये देखो हमारे अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं, देखो आपको आवाज सुनाती हूँ, देखो फ्रेंड्स और हाथ में लेकर के भी आपको दिखाती हूँ, देखो ये आवाज देखो अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो। इसमें हम मूंगफली के दाने ऐड कर रहे हैं, सलाद ही बना रहे हैं इसलिए हम फ्रेंड्स इसमें मूंगफली के दाने डाल रहे हैं,
और आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो जो आपको पसंद हो, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हो आप फ्रेंड्स इसमें, जैसे आपके व्रत में खाते हैं वैसा कर सकते हो आप। ये फ्रेंड्स मैं सेंधा नमक ले रही हूँ, व्रत का जो सेंधा नमक आता है वही ले रही हूँ इसके अंदर डालने के लिए, और ये थोड़ी सी मैं दरदरी कुटी हुई काली मिर्च ले रही हूँ। हम फलाहारी बना रहे हैं व्रत के लिए नवरात्रों में, कोई भी व्रत के लिए। अगर आप फलाहारी नहीं बनाते हो तो सेंधा नमक डाल लीजिए, काली मिर्च डाल लीजिए, और इसके अंदर आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो, भुना हुआ जीरा भी ऐड कर सकते हो, हल्का हल्का भुना हुआ जीरा। एक स्पून बूरा लिया है, आप किसी भी चीनी भी ले सकते हो, ये भी मैं इसी में ही ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स देखो सब हम चीज मिक्स कर देंगे, ये 3-4 लीव्स मैंने करी पत्ते की जो मीठा नीम होता है उसकी ली है मैंने, ये फ्रेंड्स पहले से तली हुई थी मेरे पास में, ये भी मैंने इसी में ऐड कर दी है। ऑप्शनल है, आपके पास अवेलेबल है तो डाल सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स देखो हमारी ये फलाहारी नमकीन बन करके रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी ये नमकीन पसंद आती है तो फ्रेंड्स लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू फ्रेंड्स।